वेलकम टू माय चैनल द क्यूमी। मैं हूं सोनाली। आज हम बनाएंगे चॉकलेट मिल्क शेक। चॉकलेट मिल्क शेक बनाने के लिए मैं कैडबरी डेयरी मिल्क यूज करूंगी। तो चलिए पहले चॉकलेट को मेल्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 50 ग्राम चॉकलेट है। मैं 2 ग्लास शेक बनाऊंगी। आप कोई भी चॉकलेट यूज कर सकते हैं। चॉकलेट मेल्ट होने के लिए इसके अंदर गर्म दूध डाल देती हूँ। और थोड़ी देर के लिए इसको रखना है ताकि चॉकलेट मेल्ट हो जाए और ये ठंडा भी हो जाए। चॉकलेट सॉफ्ट हो गया है। अब इसको दूध के साथ घोल देती हूँ। आप चाहे तो माइक्रोवेव में भी चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं। चॉकलेट पूरी तरह से मेल्ट हो गया है और ये ठंडा भी हो गया है। अब शेक बना लेते हैं। मैंने एक ब्लेंडर जेल ले लिया है। अब इसके अंदर चॉकलेट डाल देती हूँ। यहाँ पर 1/2 लीटर चिल्ड मिल्क है, डाल देती हूँ। और 3 स्कूप वेनिला आइसक्रीम है, इसको भी डाल देंगे। मैं शुगर नहीं यूज करूंगी क्योंकि आइसक्रीम और चॉकलेट के अंदर शुगर एडेड है। अब ब्लेंड कर लेती हूँ। अगर आप डार्क चॉकलेट यूज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप शुगर ऐड कर सकते हैं। ब्लेंड हो गया है। अब चॉकलेट शेक रेडी है। चॉकलेट शेक रेडी है। आप सर्व कर लेते हैं। गार्निशिंग के लिए थोड़ा लिक्विड चॉकलेट मैं ग्लास के अंदर डाल देती हूँ ताकि देखने में अच्छे लगे। अब चॉकलेट शेक डाल देती हूँ। वेनिला आइसक्रीम है, इसको भी डाल देंगे। थोड़ा लिक्विड चॉकलेट डाल देती हूँ। और थोड़ा चॉको चिप्स। चॉकलेट शेक बनके रेडी है। देखा चॉकलेट शेक बनाना कितना इजी है। तो आप प्लीज ट्राई कीजिए और कमेंट में मुझे बताएगा कि आज का रेसिपी आपको कैसे लगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को भी प्लीज दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। फिर मिलते हैं कुछ नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।